1967 के लिए गाने गा रहा हूँ। मैंने पहला गाना उनके लिए आखिरी खत जो कि 1966 में बनी थी, बहुत खूबसूरत गाना था और बड़ा इंग्लिश टाइप का गाना था वो, रुत जवां जवां रात मेहरबान तुम दोनों लो इम्तिहान। और उसके बाद कोई कम से कम नहीं तो मैंने उनके लिए कोई 16 या 17 गाने गाए हैं, क्योंकि हर गाना एक अपने आप में बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है। क्योंकि ख्याम साहब का एक अपना ही ढंग है, एक अपना ही उनका लहजा है जो जिसमें वो एक गाना कंपोज करते हैं, और जो गाना जो मुझे सूट करता है वो मुझे गाना देते हैं। और जैसे कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, या आज बिछड़े हैं तो अपना इस टाइप के जितने भी गाने मैंने उनके गाए हैं उनके बारे में हम जितना भी कहें उतना कम है। बहुत ही गुणी हैं वो, जो सोचते हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग है। अगर आप ये सोचें कि भी कई म्यूज़िक डायरेक्टरों का जो स्टाइल है वो दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों से मिलता जुलता होता है, लेकिन ख़याम साहब का एक ऐसा स्टाइल है जो कि किसी के साथ मिलता नहीं है, और उनका एक अपना इंडिविजुअल स्टाइल जो है वो उनको आज तक ज़िंदा रखे हुए है। और ख़याम साहब आज भी कहीं भी उनको कोई भी गाना बजता है तो मालूम पड़ता है कि ये ख़याम साहब का गाना है। मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआगो हूँ, उनकी अच्छी सेहत के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और बस ऐसे ही वो काम करते रहें, अच्छे अच्छे नगमे लोगों के लिए वो बनाते रहें। अच्छा, तो कोई खैम साहब का एक ऐसा कोई फेवरेट गाना है जो आप अपने ऑडियंस को सुनाना? मैं चाहूँगा कि खैम साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत लता जी का एक गाना उन्होंने किया था, ए दिले नादा, उसकी पिक्चर का मुझे नाम याद नहीं है। ए दिले नादा, ये गाना मैं चाहता हूँ कि ख़याम साहब का, इट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट कंपोजिशंस, मैं चाहूँगा कि वो आप जनता को सुनाएं। तो कितना करीबी हैं आप खैम साहब से? जितने आप
मेरे पास अभी बैठे हुए हैं, मैं उतने करीब उनके भी हूँ और बहुत ही उनसे एक फैमिली का जैसे एक मेल मिलाप होता है, मेरा उनके साथ फैमिली का रिश्ता है उनका. सो आई एम वेरी क्लोज टू हिम, आई लव हिम इन फैक्ट. इज अ ग्रेट गाय, ग्रेट म्यूजिशियन. खयाम साहब को तो मैं जानती हूँ बहुत सालों से और बधाई है सबसे पहले तो कि 90th बर्थडे इस जश्न से जो मनाए जा रहे हैं. मैं शुक्रगुजार हूँ उन ऑर्गेनाइज़र का जो जिन्होंने सोचा कि खयाम साहब का बर्थडे इस तरह से मनाया जाए, तो हर साल मनाए जाए. खयाम साहब एक बहुत नायाब कंपोज़र तो है ही, पर बहुत अच्छा एक बच्चों के जैसे एक दिल वाला इंसान है. उन्होंने गैर फिल्मी कुछ गज़ल एल्बम उन्होंने किया है, मुझे मौका दिया है गाने में. इतना प्यार से सिखाते हैं और बहुत डांटते नहीं हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं. मैं जो जो गाना उनका है, एक एक गाना जो है एक कैटलॉग है. मैं कहूँगी कि हिस्ट्री जहाँ तक हिंदुस्तान म्यूज़िक के जो ताल्लुकात जो हैं, हिस्ट्री में उनका नाम क्या कहते हैं ना, स्वर्णाक्षर से लिखे जाएंगे. हर एक गाना उनका एक एक मोती जैसे है. तो किस तरीके का गाना आप दो लाइन कुछ बोलना सकते हैं उनके कोई अच्छा फेवरेट? हालांकि मैं आज बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि रिहर्सल में जब सुन रही थी, इतना लाइव म्यूजिशंस इतना परफेक्टली बजा रहे थे, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ. जब भूपी जी का गाना जब रिहर्सल हो रहे थे, करोगे याद तो हर बात याद आएगी. सचमुच कि जो सचमुच के जो म्यूज़िक के शौकीन हैं, ये गाने सुन के रो देते हैं. आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. और है आज बिछड़े हैं कल का डर नहीं. खयाम साहब का और खासियत है कि सिर्फ नोटेशन नहीं, वो बहुत तवज्जो देते हैं लिरिक्स पे. उनका लिटरेरी जो है वो लिटरेचर में माहिर हैं. वो उर्दू जितना है जानते हैं गज़लों की तरफ. अब हर एक गाना आप ले लीजिए, मैं सुन आज बिछड़े हैं कल का डर नहीं, उसमें है कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले तो बस कमाल करते हैं. तो वो चुनते हैं हर एक पोइट्री जो हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर मतलब तवज्जो नहीं देते लिरिक्स के तरफ, पर उनको जो गुण है दोनों तरफ हैं. थैंक यू. अच्छा तो आपके हाथ दर्द हो रहे फलीशा एंटरटेनमेंट 90th बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है खयाम साहब का. ये हमारे कंपनी की खुशकिस्मती है फलीशा एंटरटेनमेंट की कि हमें ये ऑनर मिला और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं विद सो मैनी सेलिब्रिटीज़. और इसमें हैप्पी लकी के संजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं शो को जो कि 26th को होने वाला है. उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा. और हम लोग अभी रिहर्सल पे है और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उनके गानों को लेकर और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. खयाम साहब का बर्थडे हर साल आप इसी तरीके से मनाते हैं, इस साल कुछ अलग है या वैसे ही? इस साल 90th बर्थडे है और कोशिश करेंगे हर साल मनाने की इंशाल्लाह.